नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूँ राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए है, जो हिंदी का एक चैप्टर्स क्या है, जो हिंदी है गोधूली है, उसी का एक चैप्टर्स क्या है, फर्स्ट वाली चैप्टर श्रम विभाजन और जाति भत्ता, इसी की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन मैं देता चलूंगा आपको साथ ही साथ, क्या फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। पहला वाला ऑप्शन है आपका अशिक्षा को, दूसरा जनसंख्या को, तीसरा है जाति प्रथा और चौथा है उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा आंसर, जाति प्रथा को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, जाति प्रथा, दूसरा ऑप्शन है श्रम विभाजन, तीसरा ऑप्शन है अनुबंध और चौथा इसका ऑप्शन है जो लास्ट ऑप्शन क्या है, दूध पानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रम विभाजन। आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, जो भारतीय संविधान बने थे उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो ऑप्शन फर्स्ट है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है ज्योतिबा फुले, तीसरा ऑप्शन है राजगोपालचारी और चौथा जो लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। पहला ऑप्शन क्या है, कार्य कुशलता के लिए, दूसरा ऑप्शन है भाईचारे के लिए, तीसरा ऑप्शन है रूढ़िवादिता के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा है। फर्स्ट में है मैक्स मुलर, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर और तीसरा ऑप्शन है बिरजू महाराज और चौथा जो ऑप्शन है अज्ञेय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। पहला वाला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988, दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, 14 अप्रैल 1891। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ। तो पहला वाला ऑप्शन है मऊ मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है डुमराव बिहार, चौथा ऑप्शन है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन आंसर सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मऊ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, स्वतंत्रता का, दूसरा है भ्रातृत्व का, तीसरा ऑप्शन है श्रमिक विभाजन का और चौथा इसका लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरा माना है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सती प्रथा, दूसरा ऑप्शन है दहेज प्रथा, तीसरा ऑप्शन है बाल विवाह प्रथा और चौथा और लास्ट वाला इसका ऑप्शन क्या है, जाति प्रथा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जाति प्रथा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, जो लेखक है उसकी दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो पहले वाले ऑप्शन क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, दूसरा ऑप्शन है जातिवाद के पोषक नगण्य हैं और तीसरा ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और लास्ट इसका ऑप्शन क्या है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए, जो लेखक है उसकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो,
दूसरा ऑप्शन क्या है जिसमें सभी धन हो, सॉरी जिसमें सभी धनी हो, और तीसरा ऑप्शन क्या है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और चौथा और लास्ट वाला इसका ऑप्शन क्या है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, जो श्रम विभाजन और एक जाति प्रथा है वह क्या है। पहला ऑप्शन क्या है कहानी है, दूसरा ऑप्शन है कि भाषण है, तीसरा ऑप्शन है निबंध, और चौथा ऑप्शन है साक्षरताकार। तो इसका ऑप्शन राइट वाला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, राइट वाला आंसर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है, किस भाषण से यह लिया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है जेनेसिस एंड द डेवलपमेंट, और तीसरा ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और चौथा और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है हु इज शूद्रास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, जो डॉक्टर अंबेडकर है उनके माता का क्या नाम था। पहला वाला ऑप्शन क्या है रानीबाई, दूसरा ऑप्शन कुंतीबाई, तीसरा ऑप्शन है शीलाबाई, और चौथा ऑप्शन क्या है भीमाबाई। तो राइट इसका आंसर एकदम सही आंसर सटीक क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भीमाबाई। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो पहला वाला ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है दलित, और चौथा और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है कायस्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है राम मनोहर लोहिया, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है सुखदेव। तो इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है 1956 दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है 1957 मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है 1958 वाराणसी, और चौथा ऑप्शन है 1959 बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 दिल्ली में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो पहला ऑप्शन क्या है श्रम विभाजन, दूसरा है धन विभाजन, तीसरा है जन विभाजन, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है जाति विभाजन। तो इसका राइट और सही आंसर पूरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। पहला वाला ऑप्शन क्या है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूसरा ऑप्शन है दूध और पानी की मिश्रण की तरह, और तीसरा ऑप्शन है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और चौथा और लास्ट ऑप्शन क्या है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया, फर्स्ट में है जातिवाद में, दूसरा नारीवाद में, तीसरा है निर्विदावाद में, और चौथा ऑप्शन है परिवारवाद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जातिवाद में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुख्य नायक क्या है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है अखबार है, दूसरा ऑप्शन पत्रिका, तीसरा ऑप्शन पुस्तक, और लास्ट ऑप्शन क्या है कहानी संग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पत्रिका है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ऑप्शन बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है न्यूयॉर्क, और चौथा और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। 25 नंबर और इसका चैप्टर का लास्ट नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सभी को एकदम आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में, इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा जिससे आपकी आने वाली एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं,
क्या है आपका लास्ट नंबर और भी 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है, यानी हिंदी में किसने लिखा है। पहला वाला ऑप्शन होगा ललित सिंह यादव, दूसरा ऑप्शन है किशोरीलाल, तीसरा ऑप्शन है मोहन वाजपेयी, और चौथा और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, ललित सिंह यादव, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये सभी 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्लास टेंथ की जो हिंदी है चैप्टर फर्स्ट है, यानी गोधली का चैप्टर फर्स्ट है शर्म विभाजन और जाति प्रथा, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस प्रकार से मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।